साल 1975, इस साल एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था शोले। याद होगा आपको, वैसे तो शोले का हर किरदार अमर है, लेकिन आज तक जिस अमर किरदार के नाम से बच्चों को डराया जाता है वो था गब्बर का किरदार। उस जमाने में माएं कहां करती थीं कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी साल कोलकाता के गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। वैसे तो उस बच्चे के माता पिता ने उसका नाम धनंजय सिंह रखा था, लेकिन उसकी हरकतें गब्बर सिंह से कम नहीं थी। धनंजय का जन्म भले ही कोलकाता में हुआ था, मगर उसे कुछ साल बाद उसका पूरा परिवार यूपी के जौनपुर आ गया और वहीं रहने लगा। 15 साल की उम्र में जब धनंजय 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो स्कूल के एक टीचर गोविंद उनियाल का खत हो गया। इस खत में धनंजय का नाम आया। जब आप 12वीं में पहुंचे तो फिर एक युवक की हत्या में भी नाम आया। इस बार पुलिस ने पकड़ लिया, धनंजय को कारागार भेजा गया। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 3 परीक्षाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दबंग नेता के बारे में जो अपने स्कूली दिनों से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और अब तक उसके ऊपर 43 से ज्यादा केस तो दर्ज किए गए, लेकिन सजा का ऐलान आज पहली बार हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि कैसे 1975 में पैदा हुआ धनंजय सिंह बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान बन चुका था। खैर, जैसे तैसे जौनपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद धनंजय सिंह लखनऊ पहुंचता है और वहां दाखिला लेता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यहां उसकी दोस्ती होती है अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह जैसे कुछ नामी लोगों से, और इसी के साथ उसकी राजनीति की शुरुआत हो जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन लोगों की गुंडागर्दी को देखते हुए इसे ठाकुरवाद भी कहा जाने लगा, ठाकुरों का गैंग कहा जाने लगा। धनंजय सिंह ने जो गैंग बनाया उसका दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा। पढ़ाई के दौरान दबंगई भी खूब होने लगी। यूनिवर्सिटी का हबीबुल्ला हॉस्टल एक हॉस्टल है जहाँ से कई इससे पहले भी दबंग भी निकले, स्टूडियस लोग भी निकले हैं, लेकिन दबंगई में खासतौर पर हबीबुल्ला हॉस्टल का नाम प्रचलित रहा है। कई यहाँ से लोग ऐसे निकले हैं जो राजनीति में या इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम बने। खैर, ये हबीबुल्ला हॉस्टल इसका केंद्र हुआ करता था, तो बाहर की दुनिया में ठेकों के लेन देन में भी ये साहब दखलंदाजी करने लगे। किडनैपिंग, चाकूबाजी, गोलीबारी में भी धनंजय का नाम अब आने लगा। तो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में धनंजय का नाम तेजी से बढ़ने लगा। अपने वर्चस्व को बढ़ता देख वो रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाने के लिए कूद पड़ा और इसे मैनेज करने में भी दखल देना शुरू कर दिया। उसी समय गुंडा टैक्स की चर्चा होने लगी। साल 1997 आने तक धनंजय सिंह पर 12 केस दर्ज हो चुके थे। PhD के इंजीनियर गोपाल शरण की हत्या मामले में धनंजय पर साजिश का आरोप लगा तो फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा। तो अपराध की दुनिया में अब धनंजय एक बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस फाइलों में नाम बढ़ता देख उसने एक शातिराना चाल चली और सरकारी फाइलों से अपना नाम गायब कराने के लिए एक बड़ा खेल खेला। हुआ ये कि 17 अक्टूबर 1998 को भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट की खबर आई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि धनंजय सिंह ने वहां से फरार होने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन मामला जब बाद में खुला तो पता ये चला कि धनंजय सिंह तो जिंदा है और वो एनकाउंटर फर्जी था। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चलता है कि एनकाउंटर में सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव को मारा गया। सपा ने BJP के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मानवाधिकार आयोग की ओर से बनाई गई जांच टीम ने बड़ी गड़बड़ी पाई इस पूरे मामले में। जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आई तो 34 पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। तो चलिए, इतने से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कितना शातिर दिमाग था धनंजय सिंह का, जिसने यूपी पुलिस सहित सरकार को भी गच्चा देने की कोशिश की थी। खैर, इसी तरह से उसकी राजनीति में एंट्री भी कुछ अलग तरीके से हुई। उस समय जौनपुर में बाहुबली विनोद नाटे का वर्चस्व कायम था। विनोद नाटे राजनीतिक मैदान में एंट्री मारने ही वाला था कि उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और अचानक धनंजय सिंह की किस्मत खुली। विनोद नाटे की मौत से लोग दुखी थे, इलाके के लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा था। इसका सीधा फायदा धनंजय सिंह ने उठाते हुए राजनीति के मैदान में कदम रख दिया। यूपी चुनाव 2002 में धनंजय रारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरा और जीत दर्ज करके विधायक बन गया। चुनाव जीतने के बाद उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनाने की कोशिश की और दबे कुचले लोगों की मदद करने लगा। तथाकथित तौर पर जो गरीब लोग थे उनकी मदद करके रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाने की भी कोशिश की है साहब। लेकिन धनंजय के बढ़ते कद को देखते हुए उसके अपने दुश्मन ही बनने लगे। जो उसके अपने थे वही उसके दुश्मन बनने लगे। कॉलेज के दिनों में काफी बहुत अच्छे दोस्त रहे अभय और धनंजय के बीच अब अनबन होने लगी थी। विधायक बनने के करीब 8 महीने बाद वाराणसी में धनंजय सिंह के काफिले पर एक हमला हुआ।
इस जानलेवा हमले का आरोप अभय सिंह पर लगाया गया। तो इस तरह इन दोनों दोस्तों के बीच एक दरार पैदा हो गई। अब राजनीतिक सफर की बात करते हैं तो धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में निर्दलीय चुनाव जीता था। यूपी चुनाव 2007 में निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, जीता। मायावती के सत्ता में आने के बाद साल 2008 में बसपा में चला गया। मायावती ने 2009 में जौनपुर से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बना दिया। धनंजय ने लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद तक का सफर तय किया। साल 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते धनंजय को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद धनंजय सिंह कोई चुनाव नहीं जीत पाया। इसके बाद तो जैसे धनंजय सिंह की उल्टी गिनती ही शुरू हो गई। यूपी चुनाव 2012 में उसने अपनी दूसरी पत्नी जागृति सिंह को मैदान में उतारा। उस चुनाव के बाद जागृति को नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। धनंजय पर भी सबूत मिटाने के आरोप लगे। इस घटना के बाद जागृति और धनंजय का भी तलाक हो गया। बारी आई लोकसभा चुनाव 2014 की, तो उस वक्त देश में मोदी लहर चल रही थी। धनंजय सिंह निर्दलीय उतरा, हार गया। साल आया 2017, यूपी में चुनाव हुए तो निषाद पार्टी ने एक बार फिर उसे मल्हनी सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन फिर वो चुनाव हार गया। यूपी चुनाव 2022 में भी धनंजय मल्हनी सीट से चुनाव हारा, और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से वो निर्दलीय उतरने की तैयारी में था और कैंपेन भी लॉन्च कर दिया था, उसी समय MP MLA कोर्ट का फैसला आया और धनंजय को 7 साल की सजा सुना दी गई। इस सजा को अब धनंजय सिंह के सियासी सफर के अंत की तरह भी देखा जा रहा है। हालांकि धनंजय सिंह के BJP से करीबी होने की भी खूब चर्चाएं होती रही हैं। धनंजय सिंह पर हत्या का प्रयास जैसे 43 गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। तो जिस इंसान पर इतने संगीन इल्जाम हो उसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने को लेकर योगी सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन योगी सरकार ने धनंजय सिंह के मामले में खुद को बैकफुट पर ही रखा और साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद 25 मई 2018 को धनंजय की सुरक्षा वापस ले ली गई। धनंजय पर बाहर रहते हुए भी कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले में भी धनंजय का नाम जुड़ा। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय पर हत्या कराने का आरोप लगाया। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या मामले से भी धनंजय का नाम जुड़ा। मोहम्मदाबाद विधानसभा के गोहना ब्लॉक के पूर्व प्रमुख को माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद खास माना जाता था। इस मामले में नामजद होने के बाद धनंजय फरार हो गया। इस मामले में धनंजय पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ, गैर जमानती वारंट जारी हुआ। फरार धनंजय सिंह 4 जनवरी 2022 को मल्हनी में क्रिकेट खेलता देखा गया। इस मामले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोर शोर से उठाया। फरारी के दौरान धनंजय ने अपनी तीसरी पत्नी शिकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जिता दिया। तो अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाने वाले धनंजय सिंह की निजी जिंदगी भी खूब उठापटक वाली रही। बताया जाता है कि धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। धनंजय की पहली शादी 2006 में हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मीनू था, जिनका निधन हो जाने के बाद धनंजय ने 2009 में डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की। करीब 3 साल तक चले रिश्ते के बाद धनंजय और जागृति बाद में अलग हो गए, और इसके बाद 2017 में धनंजय ने शिकला रेड्डी से तीसरी शादी की, जो कि साउथ से आती हैं, एक जाने माने व्यापारिक और राजनीतिक परिवार से उनका ताल्लुक है। ये शादी भी खूब चर्चा में रही। तो चलिए, निजी जिंदगी तो बात हो गई, निजी जिंदगी के बहुत सारे पहलू आपसे डिस्कस कर लिए गए। अब आपको धनंजय सिंह के सलाखों के पीछे जाने की वजह भी बता देते हैं। 15 फरवरी 2022 को UPSTF ने धनंजय सिंह पर लगी गैर जमानती धाराओं को हटाते हुए उसे बड़ी राहत दे दी थी। धनंजय पर जमानती धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किया गया था, जिसके बाद 17 फरवरी 2022 को धनंजय सिंह ने मल्हनी सीट पर फिर से नामांकन किया, लेकिन फिर कामयाबी नहीं मिली। सरकार से राहत के बाद एक बार फिर धनंजय ने जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की। जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, जैसा जोरदार नारा भी दिया। लेकिन उसी वक्त पर MP MLA कोर्ट का फैसला धनंजय पर कहर बनकर टूटा और उसके राजनीतिक भविष्य को चौपट कर दिया। मामला 2020 का है, जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण केस में धनंजय को 7 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस तरह धनंजय सिंह एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब उनके सियासी सफर पर 13 साल का लंबा ब्रेक लगना लगभग तय माना जा रहा है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।